हेलो फ्रेंड्स, आजकल सर्दी जुखाम खांसी बहुत ही ज़्यादा तादाद में चल रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं और इसे खाकर आप मिनटों में अपना सर दर्द हो, जुखाम हो, खांसी हो, सब बहुत जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ 1/4 कप बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 1/3 कप के अराउंड मैंने ये बेसन लिया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये 3 से 4 मेंबर के लिए काफ़ी होती है और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे लेंगे। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे इसे लेने के बाद जो आज रेसिपी बना रहे हैं, कि इसे लेने के 10 से 15 मिनट तक आप कोई भी पानी या कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसमें अभी हम इस टाइम पर सिर्फ 1 चम्मच हम इसमें घी लेंगे। घी शुद्ध घी होना चाहिए, जो घर पे या तो आपने घर पे बनाया है या फिर काऊ का घी हो। उसके बाद हम 6 से 7 क्रश्ड किए हुए कूटे हुए बादाम लेंगे। हल्का सा 1 सेकंड से भी कम उसे भूनेंगे और जो हमने 1/3 कप बेसन लिया है उसे हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी मैंने बोला था कि मैं क्वांटिटी कम या ज़्यादा बताऊंगी घी की, अभी इसमें घी की और ज़रूरत है तो हमने 1/2 चम्मच घी और लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना घी होना चाहिए कि जो आपका बेसन है वो हल्का गीला सा हो। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इसकी यही वो है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसे हल्का हल्का कम गैस पर भूनना है। ध्यान रखिए हमें कम गैस पर भूनना है। इसमें इस तरीके से जब ये भूनने लगेगा इस तरीके से इसमें झाग आने शुरू हो जाएंगे, फिर भी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। हमें इसे भूनने में 1 से 2 सेकंड लग जाएंगे। इसे लगातार चलाने के बाद ये ध्यान रखें कि चारों तरफ से भी हम इसे हटाते रहेंगे, जो भी बेसन है उसको लगातार चलाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये रेसिपी मैं बहुत ही सभी लोगों के कहने पर लाई हूँ। सबने कई बार कमेंट में लिखकर बताया है कि हमें कुछ ऐसी रेसिपी बताएं जो कोल्ड में भी बहुत अच्छी हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से ये भुनता चल गया है, पहले से इसका रंग चेंज हो चुका है। इस तरीके से ये काफ़ी बन गया है। गैस को ऑफ कर देंगे इसी टाइम पर, क्योंकि मेरी भारी गैस है तो बंद करने के बाद भी ये काफ़ी भुन जाता है। अब मेरी पानी की वीडियो स्किप हो गई है दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 3 कप पानी ऐड किया है मैंने। पानी आपका ट्रिपल होगा जितना आपने बेसन लिया है, तो मैंने 3 से थोड़ा सा कम इसमें पानी ऐड किया है। उसके बाद ये मैंने वॉलनट्स लिए हैं, 2 से 3 वॉलनट्स को क्रश कर लिया है और उन्हें भी इसी टाइम पर हम डाल लेंगे। पानी में उबाल आने के बाद ही हमें ये नट्स डालने हैं। उसके बाद हम 2 चम्मच कसा हुआ नारियल डालेंगे, जिसको मैंने पहले ही कस के रख लिया है। इन सारी चीज़ों को उबलते हुए पानी में डालना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये काली मिर्च जो है जो हमारे गले को खोलती चली जाएगी और हमारे कोल्ड में भी बहुत फ़ायदा करेगी। इसमें ऑलमंड्स जो डाले हैं वो भी आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। और इसके बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी डालिए। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी मैंने चीनी डाली है ये इसमें काफ़ी होगी और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं रहेगा। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पकते पकते ये इस तरीके का हो जाना चाहिए। इसे पकने के 2 से 3 मिनट तक इसे आराम से लग जाते हैं। जब ये इस तरीके से हो जाए तो इसे एक हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है।